अस्सलाम वालेकुम, बोंजोर, केड़ा हाल थई। मां आया तुंजो होस्ट, सॉरी भूल गया, आई एम योर होस्ट अली गुलपीर एंड यू आर वाचिंग अल्फा डगआउट। मैं आपको एक कुछ बताता जाऊं कि कोई ऐसी ऐप है, बैंकिंग ऐप है, जो आपको रिमाइंडर दे कि भाई बिल पे कर लो, भाई टिकट लेनी थी ले लो, नहीं ना? तो एक ऐप है अल्फा, जिसमें ये सब भी होता है। यूटिलिटी बिल्स भी दे सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, खाना भी मंगवा सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो काम करो, मैं वेट कर लेता हूँ 2 मिनट, डिलीट कर लो सारी ऐप्स और रखो सिर्फ एक अल्फा ऐप, ठीक है? अल्फा ऐप के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अपने गेस्ट के बारे में। मेरे जो पहले गेस्ट हैं वो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स उन्होंने तोड़ दिए। कैसे? क्योंकि मैं जब बच्चा था तो मैं सुनता था कि अच्छा, लड़कियाँ सिर्फ कुकिंग करती हैं, बाइकें लड़के चलाते हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी देखी, पर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने कुछ औरतों को देखा जिन्होंने ये स्टीरियोटाइप तोड़ा है, एंड शी इज़ वन ऑफ देम। शी इज़ एन अमेजिंग क्रिकेटर, शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन बिकॉज आई हैव गॉटन टू नो हर, एंड शी इज़ माई फर्स्ट गेस्ट विच इज़ ऑल्सो प्रीटी स्पेशल। शी इज़ मरीना इकबाल। सो मरीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बहुत फिट हूँ। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मरीना इकबाल वही शख्सियत हैं जो पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन रह चुकी हैं, देन शी वेंट ऑन टू बिकम पाकिस्तान फर्स्ट एवर फीमेल कॉमेंटेटर, एंड देन वेन यू थॉट इट वॉज डन, नो इट्स नॉट डन, शी बिकेम वन ऑफ द 3 मेम्बर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। एंड इनकी कमेटी के नीचे जो परफॉर्मेंस थी, जो टीम थी, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में पहली बार साउथ अफ्रीकन टीम को हराया। Is that true? Yes, that's true. What was the key? What was the formula? जिसकी वजह से? I think being a cricketer, मुझे पता है कि किन areas को touch करना है. So it's really easy for me to communicate with them. और obviously उन सब से खेली भी हूँ, तो it's really easy के message क्या देना है, या जिन चीज़ों से मैं गुजरी हुई हूँ, I can really you know tell them कि अगर आप इस phase से गुजर रहे हो तो how quickly you can come up with it. और obviously communication अच्छी है तो फिर वो एक problem solving चीज़ जो है वो develop हो जाती है. So great. आपको पता है अल्फा डगआउट है क्या? Not exactly. Okay. So I'll tell you. Alpha dugout is a dugout where we sit down with legends of Pakistani cricket. Wow. And we talk about cricket and so much more about their personal struggle. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो fans को नहीं पता होती, वो हम discuss करेंगे। और ये सब start होगा like right now, पहले मैच वर्ल्ड कप से पहले, और चलता जाएगा एज पाकिस्तान प्लेयर्स विल टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड विल डू सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। पर पहले मैं आपसे पूछूंगा पहला सवाल, बीइंग अ वुमेन, हाउ डिड यू गेट परमिशन फ्रॉम होम? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां को मार्केट तक जाने की परमिशन नहीं मिलती, तो आपको कैसे क्रिकेट खेलने की परमिशन मिली? इसमें क्रेडिट काफ़ी जाएगा मेरे फादर को, क्योंकि वो ही इज़ अ स्पोर्ट्स लवर, और वो आर्मी में थे तो टेनिस उनको बहुत पसंद थी, वॉज चैम्पियन ऑफ टेनिस इन हिज यूनिट। तो बेसिकली मेरी इंस्पायरेशन मेरे फादर से ही आई है, क्योंकि ड्राइंग रूम में हमारा एक कॉर्नर होता था जहाँ उनकी सारी ट्रॉफीज़ होती थी, और वो मुझे इंस्पायर करता था। तो स्टार्ट में जब मैंने भाई के साथ क्रिकेट खेलना शुरू की तो मुझे कोई सीरियस नहीं लेता था, ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल, भाई तो पहले माना ही नहीं ना कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो वो मुझे बिठा देता था कि देखो मैं कज़न्स के साथ खेल रहा हूँ, और जब मैं एक दिन गई मैंने कहा कि मैंने भी खेलनी है, तो ही सेड ये लड़कों का गेम है। तो मैंने उनसे पूछा बहुत मासूमियत से कि क्यों भाई, इसमें ऐसा क्या है? तो उनके पास भी जवाब नहीं था, फिर फील्डिंग पे भेज दिया, और काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक फील्डिंग बस करती रही। घर की बात तो हो गई, अच्छी सपोर्ट थी, पर बाहर क्या स्ट्रगल्स और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े बीइंग अ वुमन इन क्रिकेट? नॉट ओनली इन क्रिकेट, आई थिंक वुमेन को बहुत ज़्यादा हर फील्ड में ही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। स्पेशली क्रिकेट की बात करूँ तो स्पोर्ट्स में बहुत कम, उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट की तो इतना ज़्यादा नहीं था, लाइक वुमेन्स आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, और ये एक कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि लड़कियों को खेलना चाहिए, स्पेशली प्रोफेशनली। तो मुझे जब मैंने प्रोफेशनली खेलना स्टार्ट किया, जब मैंने सीरियस लिया, तो तब वहाँ कोई क्लब्स नहीं थे जहाँ पे लड़कियाँ स्पेशली जाके प्रैक्टिस कर सकती थी। तो where did you practice? मैं LCCA ग्राउंड जो NCA के साथ है, जहाँ पे सारे बॉयज़ के नेट्स हैं, तो मैं अपने सर के साथ वहाँ जाके बैटिंग करती थी। और पहले दिन जब मैंने पैटअप किया, बिकॉज आई वॉज ओपनर, तो मैं जब नेट में जाके खड़ी हुई तो जितने भी लड़के थे ना, वो सारे बारी बारी बॉल उठाने के बहाने आते थे और पूछते थे कि नहीं, ये नहीं पूछते थे कि आप खेल लेंगी, हम आपको आहिस्ता बॉल करा देंगे, इशू तो नहीं होगा। सो ऑब्वियसली हाँ, और फिर वो एक ओपन ग्राउंड था, फिर बैटिंग करते हुए लोग खड़े हो जाते थे, कमेंट्स यू कैन इमेजिन किस तरह के।
लेकिन मैंने अपना एक उसमें रूल निकाल लिया कि जितने कमेंट्स मुझे मिलेंगे दैट वुड मोर डिटरमिन मी टू अचीव व्हाट आई वांटेड. सो फाइनली आफ्टर ऑल द स्ट्रगल आपने पाकिस्तान का झंडा उठाया, आपने रिप्रेजेंट की, वो जर्सी पहनी, कैसा लगा? इट टुक मी अ वाइल. मैंने बहुत स्ट्रगल किया. इनिशियली लाहौर के लिए खेला फॉर 4 ईयर्स. पाकिस्तान कैंप में आती रही 3 साल कंसेक्टिवली, लेकिन फाइनल 15 तक नहीं पहुंची. बीच में डिसहार्ट भी बहुत हुई कि छोड़ दूं, शायद वाकई नहीं है मेरे लिए क्रिकेट. लेकिन फिर एक पैशन आता था जब टीवी पे देखते थे, लड़कियों को देखते थे, तो मेहनत बहुत की मैंने. लेकिन फाइनली 2009 में पाकिस्तान ए का कैंप लगा और उसमें मुझे मेजर ऑब्वियसली मौका मिला और वो मेरा डेब्यू था पाकिस्तान ए का, फर्स्ट टाइम, और आई वॉज द कैप्टन. सो दैट ऑल एफर्ट यू कैन से वॉज वर्थ इट. सो फाइनली जब मैंने पाकिस्तान की जर्सी पकड़ी तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड. मतलब मेरे पास नहीं था कोई एक्सप्रेशन नहीं था. आई वॉज टोटली ब्लैंक कि वो एक प्राइड थी मेरे लिए और प्राइड से ज़्यादा आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ द मोमेंट कि आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. सो दिस इज़ मोर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी. सो अगली. अच्छा, क्रिकेट के अलावा कुछ और सवाल पूछते हैं, बिकॉज इन अल्फा डगआउट वी डोंट जस्ट टॉक अबाउट क्रिकेट, वी टॉक अबाउट यू नो यू एज अ पर्सन. तो आप ये बताएं कि आपकी जिंदगी में कौन सी एक चीज़ है जिसके बगैर आप कहीं नहीं जाती, या इट्स द मोस्ट डियर टू यू, एन ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज़? मोबाइल फ़ोन. वी हैव बीन एडिक्टेड टू मोबाइल फ़ोन ऑब्वियसली. या सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से, लेकिन जब सुबह आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले बंदा मोबाइल ही पकड़ता है कि अच्छा व्हाट डिड आई मिस. बिल्कुल. तो आई थिंक आजकल मोबाइल फ़ोन के बगैर मुश्किल है. सो मरीना, बीइंग अ फीमेल क्रिकेटर, कैसे आप बैलेंस करती हैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ? मुश्किल होता है क्योंकि जब घर से दूर होते हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो अभी भी हैं एग्जैक्टली मेरे ऊपर. लेकिन ये कि जब भी मैं घर से दूर हूँ तो थैंक्स टू अल्फा ऐप में जो ऑप्शंस है फ़ंड ट्रांसफरिंग की, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया. क्योंकि अभी सो रिसेंटली अभी एक इंसिडेंट हुआ कि मैं घर से बाहर थी, आई वॉज अवे फॉर वर्क, और मेरे फादर आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे और जो हमारा माली है उसको सैलरी चाहिए थी. तो माई सिस्टर कॉल्ड मी एंड सेड कि ये इशू आ रहा है, आप दोनों घर पर नहीं हो, मैं क्या करूँ. सो थैंकफुली टू अल्फा ऐप, उसने बहुत ईजी बना दी हैं चीज़ें. मैंने जस्ट फंड ट्रांसफ़र के थ्रू अपनी बहन को पैसे ट्रांसफ़र किए एंड शी डायरेक्टली गेव इट टू द माली, एंड दैट वॉज ऑल फॉर माई टेंशन. And that's the great thing about Alpha app, because you can just within seconds send money to any bank account, any mobile account also. Bank ki bhi zarurat nahi hai, and all over Pakistan. That's amazing. It's really convenient. Music is something I enjoy. Do you enjoy music? I love music. Okay, great. So name one Pakistani 90s jam that you love. Well, I love Junaid Jamshed aur main abhi tak unko sunti hu. 90s में आई थिंक एक गाना जो उस टाइम पे मेरे ऊपर भी फिट हो रहा था वो था हम क्यों चुने इस राह, हम क्यों चले इस राह पर. तो ऑब्वियसली क्रिकेट को भी ले रही थी एंड दैट आल्सो मोटिवेटेड मी. दैट्स अमेजिंग. मेरे लिए था जुनून का एहतसाब. व्हाट इज दैट वन थिंग यू वुड चेंज अबाउट पाकिस्तानी सोसाइटी? बिकॉज आपने अभी बहुत बातें की अबाउट द चैलेंजेस अ वुमन फेसेस, सो कौन सी ऐसी चीज है जो आप पाकिस्तान के बारे में चेंज करना चाहेंगी? Not for Pakistan, but Pakistani nation as अगर मैं एक चीज़ चेंज करना चाहूँ तो that would be कि थोड़ा सा पेशेंस जो है ना, सबर, वो मैं अपनी कौम में ज़रूर लाना चाहूँगी. बिल्कुल. बिकॉज वी आर रियली क्विक टू जज, वी आर रियली क्विक टू गिव कंक्लूजन्स. सो आई थिंक मैं भी बहुत इम्पेशेंट थी, तो मैंने विद क्रिकेट ये चीज़ लर्न की है टू बी पेशेंट. सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू लाइक माई पाकिस्तानी नेशन टू बी पेशेंट. आपसे मैं पूछूं कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट? काफ़ी इस पर बातचीत होती रहती है. आई थिंक एवरीवन हैज़ हर ओन ओपिनियन अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट. फॉर मी इट्स नॉट अबाउट अ फाइट और अ स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड अ वुमेन. फॉर मी वुमेन एम्पावरमेंट इज लाइक एम्पावरिंग अ वुमेन हर सेल्फ. फॉर मी आई थिंक के अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. राइट. कि वो चाहे मर्द है या औरत है, इफ़ दे बोथ आर स्किलफुल देन उनको एक ही लेवल की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए. बट एम्पावरमेंट फॉर मी इज़ लाइक ट्रस्टिंग योर ओन एबिलिटीज एंड देन परफॉर्मिंग इट. दैट्स एम्पावरमेंट फॉर मी. एंड व्हाट्स दैट वन थिंग दैट यू फेस्ड दैट यू वुड ट्राई टू वार्न अदर वुमेन? उनको आप क्या एक मैसेज देंगी कि यार इस चीज़ से बी केयरफुल रहना, डोंट डू दिस वन थिंग?
नॉट बीइंग केयरफुल बट एक मैसेज अगर मैं देना चाहूँ तो वो ये होगा कि ट्रस्ट योरसेल्फ, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे एक ही एडवाइस दी थी कि कुछ भी हो जाए जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। सो अगर आप में एक पैशन है किसी भी चीज़ को लेके, इफ़ यू हैव अ ड्रीम, ट्रस्ट योर ड्रीम। एंड बाय दैट आई मीन नॉट ट्रस्टिंग के आप में वो ड्रीम है या वो पैशन है, बाय दैट आई मीन कि जो स्ट्रगल और फेलियर्स उसके साथ आते हैं ना, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर ड्रीम एट दैट मोमेंट। सो आएंगे, इट्स नॉट ईजी, कोई भी फील्ड हो, सो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड हैव एम्बिशन। इट्स अ गुड थिंग टू हैव एम्बिशन एंड जस्ट कीप ऑन गोइंग। One stereotype that you faced? I faced many. One that is bugs you the most? For me, I think ke abhi ab tak jitna bhi maine cricket ko dekh liya hai, commentary ko dekh liya hai, even ab selection mein, jab bhi koi aurat ek din fail hoti hai na, us pe usi time line aa jati hai ke this is not for you. We said that this is not for you. So ye cheez abhi tak mujhe face karni padti hai. They don't like उस चीज़ को नहीं एक्नॉलेज करते कि आपने कितनी अचीवमेंट्स की है, आपने कितनी दफ़ा अच्छा किया है, बट द वन टाइम द वन मोमेंट अ वुमेंस फेल, वो लाइन फौरन आ जाती है कि हमने तो कहा था कि आपकी फील नहीं है। वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज इज परसूट ऑफ हैप्पीनेस, आपने देखी होगी, विल स्मिथ की। उसमें एक सीन होता है, उसमें अपने बेटा है ना, उसका बास्केटबॉल खेलना चाह रहा है पर वो अच्छा नहीं है उसमें, तो वो मायूस हो जाता है। तो उसका बाप उसे कहता है कि पूरी ज़िंदगी में तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनसे नहीं होता। बिल्कुल, इसका मकसद ये नहीं है कि तुमसे नहीं होगा। सो डोंट लिसन टू देम एंड डू व्हाट यू गॉट टू। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। या एंड इट्स पीपल लाइक यू हु इंस्पायर यंगर पीपल टू फॉलो देयर ड्रीम्स, नॉट जस्ट क्रिकेट बट अदर थिंग्स दैट दे वांट टू डू। अच्छा, इन ऑल ऑफ दिस वर्क डू यू गेट टू कीप योर यू नो इन टच विद योर ओल्ड फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त, उनके साथ चिलिंग होती है? बिल्कुल, डेफिनेटली होती है, और अभी तक हम लोग इन कॉन्टैक्ट हैं, क्योंकि मेरी एक नेचर है कि मैं, मेरे कम फ्रेंड्स होते हैं बट आई कीप इन टच विद देम, चाहे वो चाह रहे हो या ना चाह रहे हो। हाँ, वो ग्रुप में एक होता है ना जो, या डेफिनेटली जो बॉन्डिंग जिसको बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो देयर वर रियली मोमेंट्स के, मतलब इनिशियली स्कूल में भी हम लोग काफ़ी, तीन का तब ग्रुप था, तो हम लोग लंच भी आता था वो भी शेयर करते थे। देन व्हेन वी ग्रू अप कि मुझे कुछ भी नई चीज़ मिलती थी, आई वुड शेयर विद देम इंस्टेंटली। तो उन्हें होता है कि कुछ भी पता चल रहा है, मरीना को सबसे पहले पता चलता है, और वो फिर हमें भी बीच में उसमें डाल देती है। जैसे इनिशियली हमारे, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की खेलना, तो मैं उनको क्लासेस से ले आती थी कि मैं खेल रही हूँ तो मेरे साथ खेलो। फिर जब ये व्हाट्सएप आया तब मैंने ग्रुप्स बनाने शुरू किए, और वो मुझे कहती थी कि तुम्हारी दोस्त है, प्लीज नेवर ऐड मी टू अ व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे पास 20 व्हाट्सएप ग्रुप है, उनपे अलग कौन सी बात चल रही है। नहीं, मुझे होता था कि मैं जो कह रही हूँ अपने फ्रेंड्स को भी उसमें शामिल करूँ, लाइक क्राइम पार्टनर, यू नो। सो अभी रिसेंटली जैसे अल्फा की ऐप आई, उसमें मेंबर गेट मेंबर था, और उस पर 100 रुपये मिल रहा है, तो मैंने जब अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भेजा, एंड इट्स क्वाइट सिंपल कि आप अल्फा की ऐप खोलो, आप किसी भी फ्रेंड को इनवाइट भेजो थ्रू योर कॉन्टैक्ट्स, तो जब वो अपना अकाउंट बनाता है अल्फा पे, तो वो फ्रेंड और आप दोनों को मिलते हैं 100 रुपीज। मिल गए, मिल गए, दैट वाज रियली क्विक, दैट वाज क्विक, सो फायदा ही फायदा दोनों का। वाह, एंड 100 रुपीज माइट नॉट बी मच फॉर यू गाइस, बट फॉर द यूथ इट्स अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज यू कैन गेट क्रेडिट, यू कैन टॉक टू शब्बो ऑल नाइट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर सिलेक्शन कमिटी, देन बीइंग अ पाकिस्तान्स फर्स्ट एवर फीमेल कमेंटेटर, हाउ इज दैट? इट्स अमेजिंग, मतलब मैंने, शौक मुझे ज़रूर था कमेंट्री का थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि उस तरह कभी इतना ज़्यादा इतनी जल्दी प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट कर लूँगी। बट या क्योंकि एक कनेक्शन है क्रिकेट से, इवन दो कि मैंने जब छोड़ा तब फील बहुत होता है, इट्स नेवर ईजी टू गो अवे फ्रॉम योर पैशन। सो पीसीबी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस चीज़ की कि मलेशिया में एक सीरीज़ हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान, एंड कहीं ना कहीं मैंने उन्हें बताया था कि मुझे इंटरेस्ट है। सो आई थिंक बिकमिंग फर्स्ट एवर फीमेल कमेंटेटर, इट्स बिग ऑनर कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक इंटरनेशनल फोरम में, और अगेन आई विल से कि प्राइड है बट आल्सो रिस्पांसिबिलिटी भी है। एंड अ लॉट ऑफ मेन क्रिकेटर्स कैंट डू व्हाट यू आर डूइंग, सो दैट्स अ बिग थिंग। तो कमेंट्री की प्रैक्टिस कैसे होती है? टीवी मैच लगा के बस बोलना शुरू हो जाते हैं?
कमेंट्री की प्रैक्टिस की बहुत डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मुझे सुनने का बहुत शौक है. जैसे आपने कहा टीवी की बंद करके शुरू हो जाते हैं, घर वाले समझते हैं पागल हो गई है. इनिशियली ऐसे ही होता था, जब मैं ऊपर म्यूट करके कमेंट्री कर रही होती थी तो मेरी कभी बहन आई होती थी तो वो देखती थी, तो इसको छोड़ दो हाल आ गया इसको क्रिकेट का. एक्चुअली एकदम वो ऊपर भागती हुई आई, वन शी हर्ड मी ना, तो उसे लगा कि मैं खुद से बातें कर रही हूँ. तो आप बचपन में भी कैसी शरारती थी? मैं बहुत शरारती थी क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी और मेरे से बड़े भाई थे, मैं पूरे घर में उनके पीछे पीछे फिरती थी. और पीछे पीछे एज एन उनको मारने के लिए? उन्होंने जो जो करना होता था ना, उन्होंने जो जो करना होता था मैंने वो करना होता था. तो कोई कोई मेमोरी? कोई मेमोरीज बहुत है, लेकिन मैं एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा चेरिश करती हूँ, टिल फोर्थ क्लास मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था. मेरा दिल होता स्कूल से मुझे कोई वापस ले जाए. तो इट्स अ फनी इंसिडेंट कि हम लोग लाहौर में ही फादर, क्योंकि आमी बताए घर शिफ्ट हमारा हो रहा था तो एक नया बैटमैन आया, तो अम्मी ने कहा कि इसको ना साइकिल पर ड्रॉप करो. उसको मेरे स्कूल का नहीं पता था और मेरा स्कूल वॉज लाइक 5 मिनट्स अवे फ्रॉम माई हाउस ना, तो वो मुझे बिठा के ले गया. तो वो एक गोल चक्कर के पास मेरा स्कूल था, सो आई जस्ट लुक्ड एट द टाइम कि क्या टाइम हो रहा है जब हम घर से निकल रहे हैं. सो हम निकले और गोल चक्कर पे घूमे और उसने मुझसे पूछा बाजी आपका स्कूल है? मैंने कहा नहीं ये नहीं है, आगे है कहीं. एग्जैक्टली मुझे पता था, मेरा दिल नहीं था जाने को. और लिटरली 20 मिनट मैंने उसको उस पूरे एरिया में घुमाया और वापस घर आ गए जब स्कूल का टाइम खत्म हो गया. आई सेड के खत्म हो गया, वापस चलते हैं. तो माय मदर सॉ एंड शी सेड कि क्या हुआ है. नो शी आस्क्ड बैटमैन को क्या हुआ है, तो वो कहता है बाजी को अपने स्कूल का ही नहीं एड्रेस पता. तो माय मदर लुक्ड एट मी और बैटमैन को कहा कि तुम जाओ मैं इसको देख लूंगी. उसके आगे ना पूछो. अच्छा वाह, जाते जाते प्लीज गिव द वुमेन वॉचिंग दिस a message, anything that you would want them to listen to and take motivation from? The message is quite simple. Just trust in yourself, trust in your abilities. I think women are more stronger than men, emotionally and mentally. Because hum log har din, har jagah kafi kuch face karte hain. So I think with that we gain our strength. So just believe in yourself, trust your talent and do whatever you want. You can do it if only you believe. And as men, we need to play our part because we are part of a society. और अगर हम इस माशरे को अच्छा बनाना है तो मर्द औरत को साथ मिल के काम करना है. On that note, Alpha Dugout out and I'll see you in the next episode. See ya.